बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपना नवान टीवी के मौजूद सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सरकारी मुलाजमीन के लिए दो बड़ी खबरें हैं। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए स्पेशल अलाउंस का हेड जारी और गर्मियों की छुट्टियों के हवाले से एक फैसला सामने आया है। पंजाब गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कंट्रोलर जनरल को हदायत जारी की जा चुकी हैं और लेटर जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद अकाउंटेंट जनरल ऑफिस की जानब से और यहां पर बताया गया है कि सरकारी मुलाजमीन के ग्रेड 1-19 को 15% स्पेशल अलाउंस के हेड कोर्ट के हवाले से प्रपोजल जो है भिजवाया गया है। तो अभी खबरें ये आ रही हैं कि इस हवाले से जो कोड है A012 स्पेशल अलाउंस 2022 है और बहुत जल्द इसकी मंजूरी होगी, तो इसका फाइनल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया जाएगा। इसकी एम्प्लीटेशन के हवाले से अभी खबरें भी ये गर्दश कर रही हैं कि ये हेड कोड जारी हो गया तो इस महीने की तनख्वाह में 15% इजाफा कर दिया जाएगा, तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा जो है वो शामिल कर दिया जाएगा, तो इस महीने की तनख्वाह में ये इजाफा जो है वो शामिल हो जाएगा, तो इस महीने की तनख्वाह में 15% इजाफा जो है इसकी उम्मीद बाकी नहीं रही है, क्योंकि पेरोल के हवाले से खबरें ये गर्दिश कर रही हैं कि मुख्तलिफ फेजेज में पेरोल चल चुका है, तो अब जो सूरत हाल है वो इस तरीके से है कि अगले महीने की तनख्वाहों में 15% का इजाफा जो है तमाम बकाया जात के साथ अदा कर दिया जाएगा। इसके अलावा वो पंजाब के स्कूलों में मजीद 2 हफ्तों के लिए बंद करने पर तजवीज़ ज़ेर गौर है। ज़राए के मुताबिक मजीद छुट्टियां देने की ज़रूरत हालिया होने वाली बारिशों की वजह से है। मुख्तलिफ अज़ला में काफ़ी सारे जो इलाके हैं वो ज़ेर आब आ गए हैं, जिसकी वजह से तलीमी अमल में रुकावट पेश आ सकती है, तो इस हवाले से महकमा मौसमियात की भी जो पेशन गोई है कि मजीद 2 हफ्ते तक मानसून की बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा, तो इस हवाले से तजवीज़ है कि इसको फाइनलाइज होना भी बाकी है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट भी आपके सामने हाजिर करते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही।